5000 रुपए से मदद करने वाले हैं, वो भी बाबा बागेश्वर महाराज जी की कृपा से। इन भाई को हम देने वाले हैं इनको। ले दीवान भाई आप खड़े हो जाओ, इनकी आज शादी है, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। तो हेलो गाइस, बहनों भाइयों, आज के ब्लॉग में स्वागत है। स्वागत है हमारे माई यूट्यूब चैनल में आप सभी का। भाइयों बहनों, आज हम आए थे तहसील महंगाव, जिला भिंड, तहसील महंगाव के अंदर यह गांव पड़ता है अमान। अमान आए थे भाइयों बहनों। जो व्यक्ति से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ, वो व्यक्ति बहुत गरीब है, उसकी शादी है आज। आज उसका लगन भक्त भी आ रहा है, मंडप भी है। फिलहाल हम उनके यहाँ आ चुके हैं और अभी कुछ ही पल में आप से उनको रूबरू करवाते हैं। वो व्यक्ति बाबा बागेश्वर के ही भक्त हैं, अभी उनसे मिलवाते हैं आपको। देखो इनके घर आ चुके हैं हम। फिलहाल भाई बहनों आ चुके हैं हम उनके घर पे और इनके माता पिताजी वो खड़े हैं और इनकी माताजी हैं, माताजी भी हैं। और आज इनके लड़के की शादी है, वो भी बागेश्वर महाराज जी, बागेश्वर बाबा महाराज जी की कृपा से, बालाजी की कृपा से इनकी बच्चे की शादी हो रही है। आप फिलहाल देख सकते हैं और हम आज आए थे उनसे भी मिलेंगे और इनसे ही आपको अभी मिलवाते हैं। फिलहाल क्या नाम है भाई आपका? दीवान। दीवान, दीवान आगे क्या लिखते हो? कुशवाहा। दीवान कुशवाहा जी हैं और आ चुके हैं भाई इनके पास, बागेश्वर बालाजी की कृपा से इनकी शादी हो रही है। और ये वहाँ गए भी थे और लोगों ने बताया है, मेरे को फोन किया था कि भाई आप इधर आ जाओ, वो शादी है। और इनने भी फोन किया था कि आप हमारे घर जाना। और ज्यादा देखो भाइयों बहनों, पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, आप भी देख सकते हो। देखो झोपड़ पट्टी वाले लोग हैं, देखो फिलहाल देख सकते हैं। और इधर आइए, इधर भी दिखाते हैं आपको। यहाँ इनका जो खाना बनेगा अभी तैयार होने वाला है। देखो कढ़ाई वो रखी है और जी देखो ये सिस्टम यहाँ हो रहा है, अभी खाना इनका बनने वाला है कुछ ही पल में। देखो फिलहाल यहाँ इनका कार्य चल रहा है और आलू भी कट रहे हैं। देखो बहन जी आलू काट रही, बहन जी आप बताएंगी कैसा लग रहा है? हमारे भैया की शादी है, खुशी बहुत है, खुशी बहुत है। तो आज क्या होने वाला है? आज लगन जो आ रही है, लगन आ रही है और फिर कार्यक्रम चालू है, कार्यक्रम चालू है। मंडप भी है? नहीं मंडप कल, मंडप कल है। अच्छा अच्छा, आए लगन फल्लान आ रही है। तो तुम्हारी भैया की अभी 5000 रुपए से हम उनकी मदद करने वाले हैं, एक तौलिया और 5000 रुपए उनको देने वाले हैं। देखो फिलहाल भाइयों बहनों देख सकते हैं, इनकी हम 5000 रुपए से मदद करने वाले हैं, वो भी बाबा बागेश्वर महाराज जी की कृपा से। इन भाई को हम देने वाले हैं इनको। ले दीवान भाई आप खड़े हो जाओ, इनकी आज शादी है, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। जय बागेश्वर महाराज, जय बालाजी की कृपा से आपकी शादी हो रही है। जय बाबा बागेश्वर की जय। ठीक है भाइयों बहनों, आप फिलहाल देख सकते हैं इनको हमने 5000 रुपए दे चुके हैं, देख लेना आप। बुआ कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा 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 लग रहा है। उनके यहाँ आई हैं आप? अपने राय सिंह भाई साहब, आओ भतीजा, भतीजे को भी आओ। क्या नाम है उनका? दीमान। दीमान, तो आज क्या क्या होने वाला है, क्या आ रहा है? आज पक्या चलेगी। इनका दीमान नाम कैसे रहा? पहले ये दीमान थे क्या? दीमान तो नहीं थी, नाम रखा दीमान। अच्छा अच्छा, दीमान भाई का ना दीमान नाम रखा है। और दरोगा भी है? दरोगा नहीं है तुम्हारे घर में? दीमान तो है, दरोगा कोई नहीं है। दरोगा है वो, वहाँ है तो है। अच्छा अच्छा, अब बड़े भाई को है। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं बहनों भाइयों, फिलहाल देख सकते हैं। और ये इनके पिताजी हैं, कैसा लग रहा है आज लगन फल्लान आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत खुशी होगी आपको। अच्छा अच्छा, तो कितनी उम्र हो गई थी इनकी? कितनी उम्र कितनी हो गई थी इनकी, दीवान भाई की? अभी तो थोड़ी है, 22 साल। 22 साल थे।
चलो बढ़िया है, 22 साल की उम्र में इनकी शादी हो रही है, बहुत अच्छी बात है। बहनों भाई देख सकते हैं और बहुत खुशी का मातम है, और आज इनके यहाँ प्रोग्राम होने वाला है। बहनों भाई वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिलहाल देख सकते हैं, भाई बहनों जे आज इनकी छुट्टी है। देखो आपको कहीं झूठने लगे, सोमवार 8 मई 2023 धीरज आरती, देखो देख सकते हैं, राय सिंह कुशवा और ग्राम गोकुलपुरा गाजीपुरा तहसील महंगा है जिला बंडा। देखो फिलहाल देख सकते हैं भाई, मिठाइयां भी इनके यहाँ बन रही हैं, मिठाइयां दिखा रहे हैं आपको। देखो भाई देखो ये मिठाइयां का, मिठाइयों का भी काम चल रहा है। देखो फिलहाल देख सकते हैं, शाम के यहाँ इनके यहाँ प्रोग्राम है और मिठाइयां भी बन रही हैं। तो हम आ चुके हैं बाहर। दादाजी तो आप यहाँ इनके यहाँ कितनी पूड़ी खाओगे आप, अब बताओ ना कितनी खाओगे पूड़ी? मॉडल बताओ तो जी, बताओ नहीं तुम बताओ, बताओ बताओ कितनी पूड़ी खाओगे आप? चार पांच पूड़ी खाओगे बस, चार पांच में आप भर जाओगे? नहीं, देख लो ये 4-5 पूड़ी की बोल रहे हैं और 22 रोटी खाने वाले व्यक्ति है। बताओ झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, ये 22 रोटी खाते हैं, बताओ झूठ बोल रहे? अब 4-5 ही काम को 22। अब आप उस दिन बोल रहे थे कि मैं एक जगह रिश्तेदारी में गया, मैंने 20 रोटी खाई और दोबारा उसने ना मनाही कर दी, बोले हमारे यहाँ से जाओ। अरे तीन तो 100 खाए थे, 100 टिक्कर, 100 रोटियां होटल वाले बोलो हाथ जोड़ रहे। अच्छा बुढ़ापे की वजह से रोजी ने खाए खाए पाँच 4-5 जो है, जो गरीब आदमी जागे। देखो फिलहाल देख सकते हैं इनको एक दिन जाता है, अगर ये किसी रिश्तेदारी में चले जाए तो वो दूसरे दिन इनसे मना कर देता है मेरे यहाँ मत आना, और इतना खाते हैं जी। फिलहाल देख सकते हैं, ठीक है, मिलते हैं आपको कल वीडियो में।